लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के एक स्वयंसेवी संगठन प्रभात ट्रस्ट ने नाका कामगारों के लिए मोबाइल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन केंद्र प्रारंभ किया है। इस केंद्र के जरिए आज तलौली नाका के 100 से अधिक श्रमिकों का कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। उपक्रम के संचालक डॉक्टर प्रशांत थोरात ने कहा कि कोरोना को हराना है तो सबको टीका लगवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नाका कामगार अशिक्षित एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं, इसीलिए प्रभात ट्रस्ट कामगारों की सहायता के लिए यह मोबाइल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन सहायता केंद्र संचालित कर रहा है ताकि उन्हें समय पर टीका लग सके और वे भी कोरोना से सुरक्षित रह सकें। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को हराना है तो सबको टीका लगवाना है, इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 1 मई से मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस मिशन को सफल बनाने आज नवी मुंबई के प्रभात ट्रस्ट ने तलौली नाका पर श्रमिकों के लिए वैक्सीनेशन सहायता केंद्र चलाया, जहां सैकड़ों नाका कामगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यहां कामगारों को मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। उपक्रम के संचालक डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि अधिकांश श्रमिक कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोरोना वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं और इसीलिए ट्रस्ट उनकी सहायता के लिए मोबाइल पंजीकरण अभियान चला रहा है ताकि उन्हें महामारी से बचाया जा सके। लसीकरण करना ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। कोरोना की लड़ाई में हमें जीतना है तो लसीकरण की 100% अमल बजावनी होना जरूरी है। इसी के लिए प्रभात ट्रस्ट जो नाका कामगार के लिए रोज की तौर पे फिरते नेत्रालय चलाता है जिसे आंखों की जांच होती है, अभी हमने मोबाइल वैक्सीनेशन हेल्प डेस्क शुरू किया है, जिसके वजह से हम लोग जो नाका कामगार अनपढ़ है, जो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, जो अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए हम OTP लेके उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको लसीकरण के बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे और उनको लसीकरण कक्ष तक लेके जाने की जिम्मेदारी लेंगे। उनका दूसरा खुराक भी होना जरूरी है, ये चीज़ उनको बताएंगे ताकि वो लोग लसीकरण से वंचित ना रह जाए। अगर कोरोना की लड़ाई में हमें जीतना है तो 100% लसीकरण होना जरूरी है। ये चीज़ ध्यान रखते हुए जो तख्ता समाज का ऐसा है जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है, उसके लिए हम लोग ने ये आज का उपक्रम शुरू किया। नवी मुंबई में लगभग ऐसे 10 नाके हैं जहाँ हजारों में तादाद में कामगार काम करते हैं। हर नाके में सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में रहते हैं, तो हम हर नाके में नवी मुंबई में जाके ये मुहिम चलाएंगे। जब तक सभी नाका कामगारों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती तब तक ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। बता दें कि नवी मुंबई में 3 लाख से अधिक नाका कामगार और श्रमिक हैं जो खदान, कंस्ट्रक्शन साइट्स और बेगारी का काम करते हैं। हालांकि इन असंगठित कामगारों के लिए मनपा ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किया है। ऐसे में प्रभात ट्रस्ट की यह पहल श्रमिकों के लिए राहत भरी सेवा बन रही है। श्रमिकों ने भी डॉक्टर प्रशांत की इस पहल की सराहना करते हुए ट्रस्ट के प्रति आभार जताया। नाका कामगार लोग को अनपढ़ लोग है और इनको एक शेट नहीं रहता है, रोज एक के पास काम पे जाता है और ये लोग अनपढ़ लोग है और एक तो मोबाइल नहीं उनका पास और रजिस्ट्रेशन होता नहीं है और अपन को ये वैक्सीन लेने के लिए एक संस्था ने अपन को मदद कर रहा है कि 100% तुमको वैक्सीन मिला के दे देंगे। तो हम लोग अभी 100 आदमी इधर रजिस्ट्रेशन किया है वैक्सीन के लिए और ये संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ सर। लसीकरण काय माहितच नव्हतं, त्याच्यामुळे आम्हाला का नाही, आता हे आल्यामुळं आम्हाला जर माहीत झालं आणि परत मोबाईलमधली काहीच माहीत नाही, आम्हाला कसं ते रजिस्ट्रेशन करता येत नाही, तर यांनी व्यवस्थित समजावून सांगून आम्ही हे रजिस्ट्रेशन व्यवस्थित करून घेतलं आमच्याकडून आणि हे आम्हाला करून द्यायला लागले हे चांगलंच आहे, पण आता हे माहीत झाल्यामुळं आता करायला लागलेले आहेत, आम्ही भरपूर जणांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।